सो गाइस आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हो पीछे एक बाइक खड़ी है, क्लासिक विंटेज ब्यूटी कह सकते हो आप इसे। सो कौन सी बाइक है आप देख के समझ गए होगे, RX 100, जो कि मेरे दोस्त ने लिया हरसिमरन ने। एंड किसी रीज़न से उनसे वो व्लॉग में नहीं आना चाहो, सो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की पूरी डिटेल्स वगैरह, बताता हूँ कितने के लिए एंड कितने में रीस्टोर वगैरह करी सारी डिटेल्स, एंड बात करेंगे बाइक के ओनर से भी। तो वो बिहाइंड द कैमरा रहेगा, बट फिर भी जो है करते हैं वीडियो कंटिन्यू एंड दिखाता हूँ आपको बाइक। सो गाइस हियर इज द बाइक, यामाहा RX 100। एंड आप देख सकते हो बाइक में काफ़ी कुछ जो है आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में दिखेगा। एंड नंबर प्लेट जैसा कि ऑब्वियस है मिलेगा नहीं, भाई ने जो है नंबर प्लेट हटा रखी है एंड खुद से डिज़ाइन किया हुआ ये बनाया है, तो आप देख सकते हो। एंड ओवरऑल एक बार अगर लुक देखे बाइक का तो काफ़ी कुछ जो है आपको शाइनिंग दिखेगा, एंड कुछ ही पार्ट ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा रफ दिखेगा। जैसे कि आप ये वाला हब देख सकते हो, ये जो है स्टॉक है, प्लस ये इंजन तो स्टॉक ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ये स्टॉक है। ये आपका फ्रंट का जो शॉकर है वो स्टॉक है, ये वाला स्टॉक है। देन भाई से बात करते हैं, तो भाई इसमें आई थिंक ये वाला जो रिम्स है, रेम स्टॉक है या आपने चेंज किया? ये स्टॉक ही है, बाकी इसकी पिंडियाँ जो है मैंने पेंट करी थी। अच्छा, ये वाली खुद से पेंट करी है सारी? आप सारी ठीक है, और बाकी कंडीशन आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से टायर, इंजन, अंदर का फ्यूल टैंक वगैरह, चेसी वगैरह छोड़ के सारा कुछ आपने रीस्टॉक मतलब रीस्टोर किया हुआ है। तो भाई जो है किसी रीज़न से वीडियो में नहीं आना चाहते, बट ओवरऑल एक बार बात करते हैं, तो भाई आपने बाइक कितने में ली है? ये तो मैंने 7,000 की ली थी स्क्रैप कंडीशन में, बाकी ऊपर से खर्चा आया था 25,000 का, बाकी जो पेंट वगैरह मिला के। तो गाइस एक बार बात करते हैं बाइक में क्या क्या नया है और क्या क्या पार्ट पुराना है। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है, शुरुआत करते हैं इंजन से। तो इंजन तो भाई आपने पेंट किया होगा? हाँ, पेंट कराया था कवर खोल के। और इसमें नया क्या क्या डाला है एक बार सारा बता दो आप। नया एक तो बैक लाइट है, इंडिकेटर सारे नए थे, और ये जो ग्रिल है ये भी नई थी, और पीछे का मडगार्ड, मडगार्ड भी नया ही था, सीट भी नई है, टंकी भी थोड़ी डेंट खाई हुई थी तो नहीं ले आया था। अच्छा, टैंक पूरी नहीं डाल दी आपने? ये और ये साइड का जो कवर होता है, साइड कवर भी नहीं लिया था, पेंट खाए हुए थे। ठीक है, और ये हेडलाइट और ये क्या बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर, ये भी नया लाया था। अच्छा, ये भी नया है? हाँ, ये भी नया लाया था, थोड़े से डाल पड़ गए वो तो। हेडलाइट, इंडिकेटर भी नया आगे के। और ये वाला भी शायद नया है, शॉकर नहीं, ये फ्रंट मडगार्ड, ये तो इसी का था, धोया था इसको बस। अच्छा, ये वैसे काफी साफ कंडीशन में है, मे भी हो सकता है प्रीवियस ओनर जो रहा होगा उसने चेंज करवाया होगा शायद, and, करवाया होगा पता नहीं। एंड जो ये शॉक का ये दिख ही रहा है, ये स्टॉक है, ये हब भी स्टॉक है। और जो इसका ये रिम है, रिम पुराना है या नया है? ये तो रिम पुराने थे दोनों। अच्छा, तो भाई जो ओवरऑल आप कंडीशन देख सकते हो, इस साइलेंसर जो मेरे ख्याल से पुराना ही है। ठीक है, तो भाई ये थी बाइक। एंड ईयर कौन सा है इसका? 1998 की यामाहा RX 100 है, काफ़ी लोगों की फेवरेट होती है, इवन मेरी पर्सनल फेवरेट है। एंड मैंने सोचा था खरीदूंगा बट खरीदने का मौका नहीं मिला। सो आज अपने दोस्त हरसिमरन ने ली है बाइक, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया उसे लिए हुए। सो चलाते एक बार बाइक को एंड आपको भी बताता हूँ कैसा मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में। सो गाइस एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, इंजन जो है काफ़ी सिंपलिस्टिक सा बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो कार्बोरेटर, एंड ये ऑयल पंप की वायर यहाँ आ रही है, बाकी रेस की वायर ये रही। एंड अगर आपको क्लच दिखाऊं तो आप यहाँ क्लच देख सकते हो, ये है क्लच की वायर, अगर यहाँ से क्लच प्रेस करते हैं तो वो यहाँ से कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, आपको जो यहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। सो थोड़ा मतलब जमाने के हिसाब से जो है इस टाइप की वायर्स वगैरह आती थी। एंड कंप्रेसर यहाँ से आप देख सकते हो, इंजन फ्यूल ऑन ऑफ का यहाँ पे दे रखा है, बाकी सिंगल स्पार्क प्लग है इसमें। बाइक ली तो इंजन रनिंग कंडीशन में था या आपको कुछ काम कराना पड़ा ऊपर से? रनिंग तो था, लेकिन पूरा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो मैंने पूरा खुलवा के कराया दोबारा से, साफ सफाई। तो मतलब इंजन में आपका अप्रॉक्स कितना लग गया होगा? ये लग गया 3 से 4 तक। बाकी ओवरऑल अगर बाइक का बताए, परचेज करने के बाद आपने कितना एक्सपेंस किया बाइक पे, तो वो कितना होगा? वो टोटल 25 लगा लो, 25 हो गया था, मतलब 25 से ऊपर ही, मतलब 7,000 की आपने बाइक ली एंड 25 के अप्रॉक्स आपने ऊपर से लगाया। हाँ, बाकी पार्ट्स वगैरह के लिए। सो गाइस इसमें जो है एक चीज़ अलग है जो आपको आजकल की बाइक्स में नहीं दिखेगा, वो है ये। एंड क्या चीज़ है एक बार पूछ ही लेते हैं,
ये टूटी ऑयल होता है इसमें, ये जो कवर है बाहर आ जाता है, इंजन के लिए ज़रूरी होता है, खासकर टू स्ट्रोक वाली बाइक के लिए। तो मतलब जितनी टू स्ट्रोक बाइक्स होती है उसमें जो है, जैसे स्कूटर वगैरह में आप देखते हो अलग से ऑयल डालते हैं, सो इसमें जो है पहले से सिस्टम आ जाता है ऑयल डालने का। सो मतलब ये कवर हटा के इसके अंदर ऑयल डलता है, बाकी ये कुछ मीटर टाइप का है जिसमें दिखता है कि कितना ऑयल डला हुआ है, कितना बचा है, थिंक वही है ना। तो गाइस ये रही बाइक, जैसी बाइक हटे बाइक बंद हो गई। चलो कोई नहीं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, लाइट जल रही है ना, तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ मेरे से स्टार्ट होती है कि नहीं। सो आप जैसे कि पता ही होगा कि इसमें सेल्फ तो आती नहीं है, ये क्या फ्री हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो अब कितने तो गाइस बाइक की स्टार्ट तो हो गई है मेरे से पहले किक में, एंड एज यूजुअल आपको पता होगा RX100 में से जो है स्मोक निकलता ही है, ये इसका जेन्युइन है। एंड चला के देखते हैं भाई गियर कैसे इसके, गियर थोड़े ढीले थे बाकी टाइट करवाए थे। नहीं मतलब कहाँ को लगते हैं, कहाँ को लगते हैं, आगे या पीछे? आगे को पहले है, बाकी सारे पीछे है। तो गियर वैसे ही है पल्सर वाले, एक आगे बाकी पीछे। अलग ही फन है इसको चलाने का, मज़ा आ रहा है। ऑडी खड़ी है तो ले लेता हूँ यहाँ से तो यू टर्न, बंद ना हो जाए वरना मेरे से स्टार्ट होने से रही। तो गाइस इसका जो साउंड है यार अपने आप में गजब है, लोगों को इसकी साउंड से ही प्यार हो जाता है। तो गाइस ये था पूरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मीटर भी आप देख सकते हो 181 किलोमीटर चली है, क्योंकि मीटर नया डला हुआ है, वैसे तो पता नहीं कितने लाख किलोमीटर चल गई होगी। एंड इंजन की कंडीशन अगर मैं एक बार आपको सामने से दिखाऊं, सो ये आप देख सकते हो हल्का फुल्का जो है ऑयल लीक वगैरह है, बाकी इंजन के ऊपर पेंट करवाया था बट वो उतर गया, दोबारा होने वाला है मे बी। मैंने तो सजेस्ट किया भाई को कि सिल्वर, क्रोम सिल्वर करा लेना कुछ इस टाइप का, तो अलग ही लुक देगा बाइक एकदम। एंड बाकी क्लोजअप से अगर दिखाऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, thank you.